आप देख रहे हैं जनमत आवाज। बुरहानपुर जिले में भी आज कांग्रेस द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप मांग की गई कि जिस प्रकार दिल्ली में ईडी द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, गलत मामलों में फंसाने का कार्य किया जा रहा है, इसका विरोध करते हैं। और जिस प्रकार कांग्रेस के दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर पुलिस ने पहुंचकर वहां कार्य करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों पर लाठियां बरसाई, जिससे कई घायल हो गए और कई तो गंभीर घायल भी हुए हैं, इस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, देश बंद का आह्वान किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी, क्योंकि यह सभी कार्य भाजपा के इशारों पर ही किए जा रहे हैं। इसी के चलते राष्ट्रपति से आग्रह किया जाता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर असली दोषियों पर कार्यवाही होना चाहिए, साथ ही भाजपा द्वारा किए जा रहे इस कार्य पर जल्द ही रोक लगाई जाए। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को लगातार ईडी के द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने का काम मोदी सरकार कर रही है। हिटलर शाही करके राहुल गांधी जी को रात दिन जो परेशान किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी कल हमारे राष्ट्रीय कार्यालय पर AICC पर जो कर्मचारी वहाँ जो काम करते हैं वो जब वहाँ गए तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जो कि लोकतंत्र का संवैधानिक अधिकारों का पूर्ण रूप से हनन है। और इसके विरोध में आज हम कांग्रेस जन राष्ट्रपति महोदय से, राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग बंद कर लोकतंत्र की हत्या ना की जाए, हिटलरशाही बंद की जाए, और हमारे जो AICC कर्मचारी और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है वो तुरंत बंद। क्या चेतावनी दी आप लोगों ने? हम पूरे देश में कभी इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई तो पूरे देश को कांग्रेस पार्टी बंद करेगी और इसका जवाबदार